तीसरे टेस्ट में हार के साथ भारतीय टीम में होंगे बड़े बदलाव। कप्तान रोहित कर सकते हैं इन प्लेयर्स को बाहर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वापसी करते हुए तीसरा टेस्ट 9 विकेट से जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से कई स्टार खिलाड़ियों ने बहुत ही खराब खेल दिखाया। इन प्लेयर्स की खराब फॉर्म का खामियाजा भारतीय टीम को हार कर चुकाना पड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा इस मैच की प्लेइंग 11 से खराब फॉर्म से जूझ रहे प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने किया निराश। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज के इस भारत का बल्ला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खामोश रहा है। वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम साबित हुए हैं। वो मौकों को भुना नहीं पाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में 8/6, 23/17 और 3 रन बनाए हैं। जब तीसरे टेस्ट में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, तब वो टीम इंडिया की नाव बीच मंझधार में छोड़कर पवेलियन लौट गए। शानदार फॉर्म में चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बेंच पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कप्तान रोहित चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 में ईशान को मौका दे सकते हैं। खराब फॉर्म से जूझ रहा ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह मौका मिला था, लेकिन वह अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने में विफल रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में वह टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 पारियों में 4, 12, 0 और 26 रन बनाए हैं। वो खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। टीम इंडिया को मिली करारी हार। इंदौर टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से फ्लॉप रहे। भारत ने अपनी पहली पारी में 109 रन और दूसरी पारी में 163 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 76 रनों का टारगेट दिया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत के लिए मैच में सबसे ज्यादा रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाए। उन्होंने 59 रनों की पारी खेली। सीरीज का चौथा मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना चाहेगी।